गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर 4 इन वर्क बुक पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 आपके वर्क बुक का है। तो स्टूडेंट, आपको आज माइनस समझना है कि माइनस क्या। हमारे टेक्स्ट बुक में स्टार्ट हो गया है, पर हमें वर्क बुक भी कम्प्लीट करना है। जिस स्टूडेंट के वर्क बुक टेक्स्ट बुक कम्प्लीट होंगे उसे ही इंटरनल मार्क मिलेगा। जो मेरे पास सेंड करते हैं, मेरे पास उनके सबके नेम के लिस्ट में उनका मैंने CW और HW टेक्स्ट बुक वर्क बुक सब मैंने राइट किया है, क्योंकि उनका कंप्लीट रहता है, वो मुझे रेगुलर भेजते हैं। तो आप भी ट्राई करिए कि सारा वर्क बुक चैप्टर 4 तक हुआ है तो कंप्लीट हो जाए, टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनस अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तो हमने स्टार्ट कर दिया है वर्क बुक पहले, ये भी साथ साथ में लेंगे। 3 बर्ड्स है, ब्रांच पर कितने बर्ड्स है, सिटिंग 3, 1, 2, 3। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में, वन अभी सीट बैठी ही है और 2 बर्ड्स से फ्लाई कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, फ्लू करते हैं। तो हमारे पास कितने बचे, यहाँ पर पहले 3 थे, उसमें से 2 उड़ जाते हैं, तो अभी कितने बचे, 1। तो यहाँ पर लास्ट बॉक्स में क्या आएगा, 1, क्योंकि 2 तो उड़ गए हैं। तो पहले कितने थे, 3। आपको समझाने का मतलब है माइनस, पहले आप काउंट कर लो 1, 2, 3। तो क्या राइट है, माइनस करना है ना हमें पहले नंबर पर 3, फिर आपके 2 बर्ड्स उड़ जाते तो कितने बचे, 1। तो कितने उड़े, 1, 2 उड़ जाते, तो आप क्या लिखोगे, 3 में से 2 उड़ जाते हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा, कैसे 3 में से 2 गया, 3 बर्ड्स में से 2 चले गए, तो कितने बचे, 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे माइनस समझना है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं और उसमें से हमारे पास कितने बचते हैं। पहले 3 बर्ड्स थे तो 3 में से 2 चले गए, तो कितने बचे, 1। 3 में से 2 माइनस हुआ, 1। सेकेंड पिक्चर पे देयर वर 3 स्पैरोस। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो सेकेंड पिक्चर में आ जाते हैं, 1, 2, 3 कितने हैं ऑब्जेक्ट, 3। तो उसके बाद देखो 3 फ्रॉग है, तो उसमें से 1 फ्रॉग वाटर में जंप कर जाते हैं और कितने बचते हैं फिर वहाँ पर, 2। तो पहले 3 थे तो आप पहले 3 राइट करोगे, और कितने जंप कर गए, 1। कितने निकल गए अवे, 1। तो 3 में से 1 गया, कितना बचता है, कितने बचे, 2। तो आपको यही समझना है, आप समझ भी गए हैं कि जो थिंग्स है उसमें से हमें निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचे। ठीक है, तो देयर वर 3 फ्रॉग्स, 1 फ्रॉग जंप इनटू द वाटर। तो पहले 3 फ्रॉग्स थे, फिर जंप किए 2, वाटर में कितने जंप किए, 1 फ्रॉग, और कितने बचे, 2। तो लेफ्ट आपके पास कितना बचा, 2। आंसर क्या आया आपका, 2। 3 में से 1 गया, 2। उस तरह से आप देखो। थर्ड पिक्चर, देयर वर 6 जग्स, कितने जग्स है, 6। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जग्स है। फिर कितने आपके पास, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि ब्रोकन कितने हुए, 4 है ना, 6 जग में से 4 टूट गए। ये हमने टेक्स्ट बुक में किया है और वर्क बुक में हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको माइनस करने में इजी रहे। कितने बचे, 1, 2, 6 थे तो हमने यहाँ पर 6 राइट किया। फिर 4 ब्रोकन हो गए तो आपने क्या राइट किया, 4। तो कितने लेफ्ट, कितने बचे, 2 जग्स आर लेफ्ट, यानी कि 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 4 चला गया, तो कितना बचता है, 2। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा पेज समझना है। आपने टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट कर लिया है, अब आपके ये वर्क बुक है। देयर वर 5 फ्लावर्स है, उसमें से 2 फ्लावर्स उसने दूसरे फ्रेंड्स को दिए, तो कितने बचे, 5 में से 2 फ्लावर उसने निकाल, 5 फ्लावर है उसमें से 2 फ्लावर्स उसने दूसरे फ्रेंड को दिए, तो कितने बचे, 3 फ्लावर्स, 1, 2, 3। उस तरह से ब्रांच है तो उसमें लीव्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 4 लीव्स नीचे गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो कितने बचते, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से 9 में से 4 गया, 9 लीव्स में से 4 लीव्स निकाल दिया, तो कितने बचे, 5। पहले 9 तक जाएंगे, 4 आफ्टर काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, कितने बचे, 5।
इस तरह से ये पूरा पेज आपको कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट आपका ये पेज नंबर 84 है, आपके वर्कबुक का पेज नंबर 84 है। आप देखो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और साथ में आपके जो क्वेश्चन है कि टू ऑब्जेक्ट है तो उसमें से आपको वन निकालना है, तो कितना बचा, टू बॉल है। तो आपको इस तरह से आप स्टैंडिंग स्लीपिंग ये आपके टेक्स्ट बुक में हमने कल कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में। वन टू ऑब्जेक्ट है, उसमें से टू में से वन निकालने, तो वन ऑब्जेक्ट हमने काट दिया तो हमारे पास कितने बचे, वन। और इस तरह से टू माइनस वन तो भी वन आंसर आया। और स्लीपिंग में देखो आपका ये वर्टिकल माइनस है और ये हॉरिजॉन्टल, आपका हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग माइनस है, दोनों के आंसर सेम हुए, दो में से एक गया एक बचा। आपके कितने हैं दिया, वन टू थ्री फोर फाइव। तो क्वेश्चन क्या है, आपका वर्टिकल माइनस है, फाइव में से टू आपने काट दिया, वन टू, कितने बचे, वन टू थ्री। तो आप क्या यहाँ पे राइट करेंगे, थ्री। यस, आपका ये वर्टिकल माइनस है और इसी तरह से आपका हॉरिजॉन्टल माइनस आपको करना है। फाइव में से टू गया, कितना बचा, थ्री। इस तरह से ये पूरा पेज आपको कंप्लीट कर लेना है। फाइव मैंगो में से वन आपने निकाला, फाइव में से वन निकाला माइनस किया तो कितना बचा, वन टू थ्री फोर। इस तरह से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप वर्टिकल सब्ट्रैक्शन और हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन दोनों बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें से भी फाइव में से वन मैंगो निकाल दिया, कितना बचा, फोर। इजी है ना ऑब्जेक्ट काउंट करना, काउंट करके फिंगर भी नहीं काउंट करना, ऑब्जेक्ट दिया डायरेक्ट काउंट करना, वन टू थ्री फोर कप है, फोर राइट है, फिर इसमें से वन टू निकाल दिया तो कितना बचा, वन टू। यस, वर्टिकल आपका सब्ट्रैक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है, फोर में से टू गया टू, वन टू, वन टू थ्री फोर, इसमें से दो निकाल दिया तो कितना बचा, टू। इस तरह से पूरा पेज आपको कंप्लीट करना। आइसक्रीम है, कितना है, थ्री। थ्री आपका पहले हम हॉरिजॉन्टल माइनस करेंगे, थ्री है तो थ्री में से टू गया, वन टू निकाल दिया आपने, वन टू, तो कितना बचा, वन। तो आपका आंसर आएगा वन। इस तरह से चलो वर्टिकल माइनस, वन टू थ्री आइसक्रीम है, टू निकाल दिया तो कितना बचा, वन, यानी दोनों के आंसर सेम होंगे। अम्ब्रेला है, फोर अम्ब्रेला में से आपने थ्री अम्ब्रेला को निकाल दिया तो आपके पास वन अम्ब्रेला बचा। आपने फोर अम्ब्रेला में से थ्री अम्ब्रेला आपने उसको अलग कर दिया तो कितना आपके पास बचा, वन दे दिया। तो अब देखो फाइव, आपके पास फाइव बॉल है, वन टू थ्री फोर फाइव, उसमें से फाइव नंबर है क्वेश्चन, उसमें से आपने थ्री निकाला तो कितना बचा, वन टू, आपको टू लिखना है। तो ऑब्जेक्ट काउंट करना है ना, इसलिए आपको इजी पड़ेगा। बस समझना है कि ये वर्टिकल माइनस है और ये हॉरिजॉन्टल माइनस है, दोनों से आंसर सेम होंगे। ओके, फाइव में से थ्री निकाल दिया तो कितना बचा, टू। ये पेज आपको कंप्लीट कर लेना। देखो ऑनियन, वन टू थ्री, थ्री में से वन ऑनियन है, वन टू थ्री। अब थ्री में से वन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, टू। यस, टू। ओके, चलो अब थ्री में से ये ऑनियन है, वन टू थ्री, क्वेश्चन तो सेम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, थ्री में से वन निकाला तो कितना ऑनियन बचा, टू। यस, ये पेज आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ओके, बाय स्टूडेंट।